हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी जोन के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ को लेकर के आ चुके हैं। तो अगर आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं तो आप जो है वीडियो मन तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में आपके जो है दो डाउट को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, जो पहला डाउट है कि जो पॉलिटेक्निक छात्रों के जो ऑड सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वह कब आने वाले हैं, पूरी आपको जो है लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कि आपके जो रिजल्ट हैं कब जारी किए जाएंगे। और दोस्तों, जो दूसरा टॉपिक है वह यह है कि जो पॉलिटेक्निक छात्रों के इवन सेमेस्टर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके बारे में भी जो है बीटीयूपी द्वारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को जो है गुड मॉर्निंग, और एक आपके लिए मोटिवेशनल क्वोट भी यहाँ बताया गया है। अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है रेगुलर किसी भी कार्य को जो है पूरे मन से पूरे मेहनत से करते हैं तो वही जो है आपको जो है आपके लाइफ में आगे लेकर के जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस न्यूज के बारे में पूरे डिटेल से और आपके डाउट्स को दूर करते हैं। तो दोस्तों, आप जो है न्यूज का हेडलाइन दे सकते हैं, बताया गया है पॉलिटेक्निक छात्र प्रोन्नत नहीं होंगे, देंगे परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, यह तो आपको जो है बहुत ही पहले से ही पता है, इस बार जो है पॉलिटेक्निक के किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सभी छात्रों के जो है एग्जामिनेशन इस बार कराए जाएंगे। तो आप यहाँ दे सकते हैं, टाइटल बोला गया है 22 से 27 जुलाई प्रस्तावित हैं परीक्षाएं, 90 मिनट में हल करने होंगे 50 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो है आपके पॉलिटेक्निक के जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनके एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, उसके बाद पॉलिटेक्निक के जो है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के छात्रों के एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। और इसके लिए जो है बीटीयूपी ने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दिया है कि आपके एग्जामिनेशन में जो है आप कुल 50 प्रश्न हल करने होंगे, जिसके लिए जो है आपको कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जो न्यूज है कानपुर से निकाली गई है और इसमें बताया गया है कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों के सभी छात्रों को फाइनल पेपर देने होंगे, किसी भी साल या सेमेस्टर के छात्र को प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। निदेशक प्रावधिक शिक्षा की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी, छात्र घर में रहकर ही परीक्षा देंगे। जिन छात्रों के पास लैपटॉप नहीं है उनको अपने गृह जनपद के स्थान में ऑनलाइन परीक्षा देने की व्यवस्था पर विचार चल रहा है, परीक्षाएं 22 से 27 जुलाई तक प्रस्तावित हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं जो है आपको अपने पिछले वीडियो में बता रहा हूँ, लगातार आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो है आपके जो एग्जामिनेशन हैं वह जो है ऑनलाइन के माध्यम से होने वाले हैं, और जिन स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है वह अपने घर से स्मार्टफोन से एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं है वह साइबर कैफ़े पर जाकर भी दे सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स के घर के आसपास साइबर कैफ़े भी नहीं है वह अपने कॉलेज में जा करके भी एग्जामिनेशन को ऑनलाइन के माध्यम से जो कॉलेज में कंप्यूटर उपस्थित है वहाँ पेपर भी वे दे सकते हैं। निदेशक प्रावधिक शिक्षा मनोज कुमार ने बताया कि पेपर वैकल्पिक होगा, जिसमें 90 मिनट में 50 प्रश्नों को हल करना होगा। अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को सभी पेपर देने होंगे, दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों को दो पेपर देने होंगे, जिसमें एक प्रश्न पत्र में कई विषयों को जोड़ा जाएगा। अलग अलग खंड में विषयों के अलग अलग नंबर मिलेंगे, सभी खंडों में पास होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही जानकारी मिल चुकी है कि जो पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर छात्र हैं उनके जो है सभी विषयों के जो एग्ज़ाम हैं वह अलग अलग होंगे, लेकिन दोस्तों जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर छात्र हैं उनके केवल दो पेपर ही होने वाले हैं। इन दोनों पेपर में जो है आपके जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को मिला करके बनाया जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात करें तो अगर आपका जो है कुल 6 सब्जेक्ट है तो दोस्तों 3 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वह एक पेपर में होगा, और जो 3 सब्जेक्ट एग्ज़ाम है वह एक पेपर में होगा। इस तरीके से मिला करके दो पेपर में आपके जो है 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होने वाले हैं, और सभी सब्जेक्ट का जो है पेपर में एक खंड बनाया जाएगा, जैसे एक खंड में आपको जो है पास होना अनिवार्य रहेगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो पॉलिटेक्निक के छात्र हैं उनके ऑड सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो कब तक आने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पे जो है पूरी जानकारी दी गई है। देखिए, बताया गया है कि 30 जून को जारी होगा विषम सेमेस्टर का परिणाम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बहुत समय पहले से ही बीटीयूपी जो है आपको सूचना दे रही है कि आपके जो रिजल्ट हैं वो जल्द ही आने वाले हैं, तो फाइनली जो है आपको जो है डेट मिल चुकी है। तो आज हो गया है आपका 28 जून, तो 2 दिनों में जो है पॉलिटेक्निक छात्र के जो है रिजल्ट जो है आपके सामने आने वाले हैं। न्यूज़पेपर में जो भी जानकारी दी गई थी हमने आपको इस वीडियो बता दिया है और आपके सामने डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बुक्स की पीडीएफ जो है और आपके क्वेश्चन बैंक से पीडीएफ, एमसीक्यू क्वेश्चन जो पीडीएफ हैं अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो जिन्हें आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।